तो छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब 3 दिसंबर को मतगणना का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जैसे जैसे मतगणना की तिथि नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे लोगों के बीच प्रदेश में नई बनने वाली सरकार को लेकर सुगबुगाहट बढ़ते जा रही है। रफ्तार मीडिया की टीम कोरबा की जनता के बीच पहुंची और उनके मन की बात को टटोला। आइए सुनते जानते हैं क्या कुछ कहा वहां की जनता ने। छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है। जैसे जैसे मतगणना की तिथि नजदीक आते जा रही है, लोगों की सुगबुगाहट बढ़ते जा रही है और लोगों के साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं उनकी भी दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही है। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ में भाजपा का भी शासनकाल रहा और कांग्रेस का भी शासनकाल रहा। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती है। अभी हम मौजूद हैं कोरबा की जनता के पास। आइए और हम इनसे जानते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में वो किनका चेहरा देखना चाहते हैं। अंकल क्या नाम लिखते हैं आप? पर छत्तीसगढ़ में आप किसका मुख्यमंत्री में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? अब भाई अपन दे दिए हैं जो भी वोट देना था, अब कौन आएगा उसको तो हम लोग इसके पहले पूछे होते चुनाव के पहले तो बताते, अभी दे दिए हैं तो किसको बोलेंगे अब, जो आएगा वही आएगा। नहीं ठीक है, वो तो भाई मतगणना जो है 3 दिसंबर को होने वाली है, वो तो रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन एक मन में होता है कि कुछ जो काम अधूरे रह गए हैं, कुछ और उम्मीदें हैं लोगों को, किस तरीके का कार्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें क्या कहते हैं आप? हमारे नजर में हमारे दिमाग से रमन भी ठीक थे, वो भी बहुत काम किए, अब ये बघेल आए ये भी कुछ काम अपना दिखाए, दोनों तो बराबर हैं, किसको बोल सकूंगा मैं, किसी को निश्चित नहीं बोल सकता, दोनों मेरे लिए बराबर हैं। हालांकि इस बार जो है हाईकमान ने मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं किया है, तो इसलिए हम जनता से जानना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से, आपसे, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। वैसे देखा जाए तो बघेल का भी काम ठीक है, तो उसको हम आशा करते हैं आ जाए। क्या नाम आपका? मुख्तार अहमद। कहाँ से हैं? शिवाजी नगर कोरबा। छत्तीसगढ़ में इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? भूपेश बघेल। कैसा रहा कार्यकाल उनका? बहुत अच्छा रहा, हर चीज पे कंट्रोल किया, और अभी तो गैस सिलेंडर पे भी उन्होंने ये किया है कि 500 रुपये सब्सिडी देंगे, तो उससे महिलाओं को और उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने में काफ़ी सहयोग मिलेगा। किसानों के लिए बोनस 3200 रुपये कर दिए हैं, ये और अच्छी बात है, किसान भी अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं, बढ़िया है, देश तरक्की कर रहा है, रोड का काम हो रहा है। एक हिसाब से भूपेश सरकार ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आनी चाहिए। क्या नाम आपका? गिरधर तिवारी। कहाँ से हैं आप? पूरी बाहर से। पूरी बाहर से इस बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? बीजेपी को देखना चाहते हैं। किनका चेहरा है सामने? अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं उसका हो जाए तो। क्या है, केंद्र में मोदी जी का आना ही आना है, तो स्टेट में भी उसी का रहे तो डबल इंजन की सरकार में कुछ प्रोग्रेस ज़्यादा होना, ऐसा अपना मानना है, बाकी देखिए अब क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो चेहरा होगा आपके सामने। हैं बहुत सारे हैं, अब हाईकमान जो सेट करेगा वो तो ठीक है। मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं आप? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी, क्या रहा कार्यकाल उनका, कैसा रहा? उसका अच्छा कार्यकाल, किसान के लिए अपना बोनस और क्या बोलते हैं जो किसान को फायदा हुआ है। क्या नाम लिखते हैं हम? आर पांडे। कहाँ से हैं? कोरबा से। अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में किनका चेहरा देखना चाहते हैं? चेहरा तो अभी तो वर्तमान में भूपेश बघेल जी की बोल रहे हैं, लेकिन हम तो बोलते हैं TS बाबा जी बने, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या विशेष है? विशेष कुछ नहीं है, उनको भी चांस मिलना चाहिए, उनका भी राजनीति में पूरा उम्र खत्म हो गया, लास्ट मौका है उनके लिए, उनके लिए भी चांस होना चाहिए। हाँ, मनोज कुमार पांडे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? हम तो TS बाबा को चाहेंगे यार मुख्यमंत्री बन जाए छत्तीसगढ़ का। किस लिए? अब किस लिए का, एक तो सोशल भाई राजनेता लगते हैं, अच्छे स्वभाव के हैं और छवि भी उनकी साफ सुथरी है, अभी तक कोई मैंने
उनके विषय में मान लीजिए ना कोई दाग है ना कोई जो भी है, मैंने साफ सुथरा छवि के नेता लगते हैं वो। क्या नाम लिखते हैं हम? अर्चना प्रजापति। छत्तीसगढ़ में इस बार किसका चेहरा देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? रमन सिंह। कैसा रहा कार्यकाल उनका? उतना खास भी नहीं था, उतना बेकार भी नहीं था, मतलब इक्वल में था। तो ऐसा है ना कि न्यू अब क्या कैसे आएगा वो तो नहीं पता, लेकिन वो सही है ऐसा। क्या नाम लिखते हैं? मैं आर मींस। कहाँ से हैं? मैं पौड़ी बाहर कोरबा से हूँ। इस बार जो है मतदान हो चुका है, मतगणना 3 दिसंबर को होने वाली है। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप? तो मेरा भाई आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हिसाब से मेरा क्या सिस्टम है कि रमन भी काम ठीक से किए थे और अभी बघेल भी जी हैं वो भी काम ठीक किए हैं, लेकिन अभी बघेल का भी काम अच्छा है सभी के लिए, इसीलिए मैं अपने तरफ से बघेल जी को ही जो उसका कार्यक्रम बचा हुआ है उसके नाम से वो आ जाए और वही आना चाहिए ताकि अगला कार्यक्रम जो अनकम्प्लीट है वो कम्प्लीट कर हो जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो बघेल आ जाए तो अच्छा। बघेल का ही नाम मैं ले रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप? देखो अभी तो किसान समर्थन चल रहा है पूरा, तो इस बार भी भूपेश बघेल को ही देखना चाह रहे हैं क्योंकि किसान के लिए इतना अभी तक किया है वो। देखिए धान का समर्थन मूल्य बीजेपी की सरकार में कितना कम था, अभी देख रहे हैं अभी 3200 क्विंटल होने वाला है, ठीक है। इससे पहले धान का क्विंटल 2200 ही चल रहा था और पिछले 2 बार का तो बोनस भी नहीं दिया था, ठीक है। तो इस बार भी हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस का ही सरकार बने, अगली से अगली बार परिवर्तन हो, परिवर्तन ही सत्ता, मतलब परिवर्तन होते ही रहना चाहिए, लेकिन इस बार भी भूपेश बघेल का चांस है हमारे तरफ से। छत्तीसगढ़ में मतदान हो चुका है, मतगणना जो है 3 दिसंबर को है, रिजल्ट आना है। बिल्कुल। इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? अब देखिए मुख्यमंत्री के रूप में तो मैं भूपेश बघेल को ही देखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उनके कार्यकाल 5 साल जो किया है मेरे को अच्छा लगा, बाकी किसी को अच्छा लगे या ना लगे ये तो मैं नहीं कह सकता मैं जी। बाकी मेरे लिए ठीक है वो, क्योंकि गांव के लिए भी हर आदमी यही सोच रहे हैं एक बार और उनको बना के देखें, ऐसा एक बार मौका और दिया जाए ऐसा कह के। अभी जो है मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में किनको देखना चाहते हैं? भूपेश बघेल वो ही आएंगे तो ठीक रहेगा। कैसा काम किए वो? बढ़िया, गरीबों के लिए गरीबों के लिए बढ़िया किए हैं कुछ, और भलाई ही कर रहे हैं। हम लोग को भी दुकान दौरी रोड से नहीं हटा है, ठीक काम भी किया किसान के लिए भी। अच्छा मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे जब, वो उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो भी बहुत बढ़िया थे, वो भी ठीक थे, वो भी अच्छा चलाए हैं। अच्छा। राजेंद्र कुमार लाउत्रे कहाँ से हैं? बालको परसाभाट है। इस बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? एक्चुअल में यदि देखा जाए ना तो जब भूपेश जी बैठे तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जिंदा किए, तो उम्मीद है कि उसी को आना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति दब गई थी सारी चीज़ को उभर के आया और छत्तीसगढ़ को करीब करीब बहुत लोग जान गए कि वास्तव में छत्तीसगढ़ है बोल के, तो आना तो भूपेश को ही चाहिए। इस बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं? देखो भाई जो जिसका सीट आएगा वही बनेगा, फिर भी कोई तो होगा। हम तो चाहते हैं कि भाई बीजेपी ही बन जाए, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है ना। अब आम पब्लिक क्या चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। भूपेश बघेल कैसा रहा कार्यकाल उनका? बहुत अच्छा है, गोबर फेंकाता था गोबर ले रहे, पूरा ग्रामीण क्षेत्र में धान का बढ़िया उन्नति हो रहा है, किसान लोग के लिए सोचता है अपना, छत्तीसगढ़िया भाई है ना, हर चीज के लिए सोचता है, उसके लिए हम लोग सहमत है पूरा हर चीज है। अभी अभी जो धान का क्विंटल बढ़ा दिए हैं, जो पैसा भी महिला को दिया जा रहा है ना, 15,000 महीना में कर दिए हैं, मतलब सालाना जो देंगे बोल के वादा किए हैं, और धान भी खरीदेंगे बढ़िया रेट में भाई। किसान लोग को भाई हम लोग को फायदा है, अपना छत्तीसगढ़िया किसान है, कुछ बघलाना चाहिए, बस यही चाहते हैं। किसका चेहरा आगे है बीजेपी और कांग्रेस से? अभी कांग्रेस से सिंहदेव का है, बीजेपी से अभी फाइनल नहीं हुआ है, यही है जानकारी।
अब आने वाले समय में देखो पार्टी तय करेगी बीजेपी का किसको मुख्यमंत्री बनाती है। और कांग्रेस सिंहदेव तो बोल ही रहे भाई हमें ही मुख्यमंत्री बना है, फर्स्ट एंड लास्ट चुनाव लड़ चुके हैं, जी जी मुख्यमंत्री पद हमें चाहिए, उनका प्रस्ताव है कांग्रेस से। कितना काम हुआ है कांग्रेस के शासनकाल पे? कांग्रेस शासनकाल में तो काम जीरो है, कोई काम नहीं दिखा, न रोड न नाली न पुल न पुलिया, और आपका बालू में भी रॉयल्टी इशू नहीं हुआ, उसमें भी दुनिया भर का परेशानी लोगों को, 2,500 रुपए बालू बिक रही है, कोई रोड नहीं, सब जगह परेशान जनता। अभी हमने कोरबा की जनता के बीच जाकर कोरबा की जनता का राय कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री इसके विषय में उनसे जानकारी ली। अब देखना होगा मतगणना के बाद किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज होता है। सहयोगी कमलेश तिवारी के साथ समीर गुप्ता, रफ्तार न्यूज कोरबा।